कानपुर नगर के थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत मछरिया में मकान मालिक द्वारा किरायेदार की 10 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला सामने आया है। मछरिया निवासी 10 वर्षीय लड़की के साथ मकान मालिक जैकी अहमद द्वारा अकेला पाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश की गई, साथ ही बच्ची को किसी से बताने पर धमकियां भी दी। पीड़िता की माता ने बताया, मेरे पति का व्यवसाय बाहर है इसलिए वो बाहर ही रहते हैं। मकान मालिक जैकी अहमद मेरी बेटी को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसे डराता धमकाता है। बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसने रो रो कर पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। इस पर क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर विकास कुमार पांडे का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा जा रहा है, आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मामला हुआ है? सर, मैं तो थी नहीं घर पे, तो बच्चों के साथ में मतलब बुलाया होएगा, गंदी गंदी हरकतें बोला, बच्चे को डराया भी है, बोला है कि मैं मतलब ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अगर आप बताओगे ना अपने घर पे किसी को भी, और मकान मालिक है वो, मैं किराएदार हूँ। कितने साल की बच्ची है? दस साल की है बच्ची मेरी। तो बच्ची के साथ मतलब बहुत ही मतलब जो है गलत सलत बोल के, और उसको जो है अपनी बेटी से भी बुलाता है वो। जी मैंने पुलिस को बोला है, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिर इस वक्त वो कहाँ है? जो बेटी जो आरोपी है, आरोपी अभी अंदर है थाने में। दस साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़, क्या है पूरा प्रकरण? नौबस्ता थाने में मछलिया का प्रकरण है। इसमें मकान मालिक का जो नाम है जकी अहमद है, उसी मकान में किराएदार बच्ची का परिवार किराए पे था। पिता उसके जो है ट्रक ड्राइवर हैं, वो बाहर हैं। इसने जो है बहला फुसला के गलत काम करने का प्रयास किया। संबंध में थाना